नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में अब कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए अपने ट्वीट में पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदें तब याद रखिए, मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि हर रोज जब महंगा तेल सब्जी खरीदें तब याद रखिए, इस सरकार में 97% परिवारों की आय घट गई, लेकिन खबरों के मुताबिक मोदी जी के खरबपति मित्र हर रोज 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पलों वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। बीजेपी लाई महंगे दिन। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को भी कीमत में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसके कारण महंगाई से लड़ रहे आम आदमी के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।